इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी का जो अगला चैप्टर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, वह है चैप्टर 24। और यहां पर एक वर्ब के रूप में हम बी का मीनिंग समझेंगे। देखिए, बी का एक शाब्दिक जो इसका मीनिंग है वह बनना या होना, टू बिकम, टू बिकम। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य इस बी के बारे में यह है कि बी का मतलब बनना जब होता है या होना, तो बी के रूप के रूप में, बी के फॉर्म के रूप में इजारम होते हैं प्रेजेंट में, वॉज और पास्ट में, और मॉडल्स के बाद डायरेक्ट लग जाता बी, शैल बी, विल बी, कैन बी, मे बी। लेकिन इस चैप्टर में हम सीधे तौर पर बी को एक मुख्य क्रिया के रूप में सीखेंगे। इजारम और वॉज वर बी की प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म के रूप में है, लेकिन यहां पर जब किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बनने या होने की सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, सुझाव देते हैं, तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली बी का प्रयोग करते हैं और कहते हैं आप ऐसे व्यक्ति बने। सामान्यतया जब हम कुछ बनने या कुछ होने की सामने वाले व्यक्ति को सलाह देते हैं तो सब्जेक्ट तो नो डाउट इसका यू ही होगा, तो यू यहां पर छिपा हुआ है। डायरेक्टली हम बोलेंगे आप कैसे, आपको किस तरीके का इंसान बनना है, कैसा व्यक्ति बनना है, तो डायरेक्ट बोलेंगे बी। और बी के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव, कि आपको कैसा व्यक्ति बनना है, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा बी काइंड, दयालु बने, सुझाव है, उपदेश है, सलाह है, क्या बने? दयालु बने। सो बी काइंड, और मैंने आपको कहा बी ए काइंड पर्सन, एक दयालु व्यक्ति बने, तो यहां पर ए काइंड पर्सन। अकेला एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नाउन। तो अगर आप एडजेक्टिव अकेला प्रयोग करते हैं तो इसके पहले आप ए या एन या द नहीं लगाएं, लेकिन यदि आप एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाते हैं तो उस नाउन के लिए उस एडजेक्टिव के प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग ए या एन का प्रयोग करना है। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा बी, सलाह देना, उपदेश देना, किसी व्यक्ति को कहना कि आप कैसे बने। नेगेटिव हो जाएगा डोंट बी, क्या हो जाएगा? डोंट बी। बोलचाल में काफी प्रयोग होता है, इसलिए अलग से चैप्टर बनाकर मैं आपको इसे समझा रहा हूं। वहां पर कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं जैसे बी वाइज, बुद्धिमान बने। आगे बी ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान इंसान बने, बुद्धिमान आदमी बने। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। सलाह है, उपदेश है, सुझाव है, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए, बनिए या बने, सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में ही है ये भी सब। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब जब हम सामने वाले व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, मनाई या रिक्वेस्ट, यहां पर भी हम सलाह दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को कैसा बनना है, कैसा होना चाहिए। तो लिखा बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए, ईमानदार बने। बी एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, एक ईमानदार व्यवसायी बने। अब यहां पर बिजनेसमैन के पहले ऑनेस्ट लगा, और चूंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो यहां पर एन का प्रयोग हो जाएगा, बी एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, एक ईमानदार व्यवसायी बने। ठीक, अगला ही बी फियरलेस एंड एक्टिव, निडर बने, सक्रिय बने। यानी आप दो एडजेक्टिव का यूज भी एन से जोड़कर कर सकते हैं। अकेले भी कह सकते हैं बी ब्रेव, बी बोल्ड, बी करेजस, बी फियरलेस। सबका फियरलेस इट मींस निडर बने, बी एक्टिव सक्रिय बने, दोनों को जोड़ दिया, बी फियरलेस एंड एक्टिव, निडर और सक्रिय बने। यानी न तो किसी से डरे और एक्टिव बने। अगला देखिए बी जेनरस एंड ओबीडियंट, तो सरदय बने, आज्ञाकारी बने। अकेला भी कह सकते हैं बी ओबीडियंट, सो जब कहा बी ओबीडियंट इट मींस आज्ञाकारी बने।
बी एन ऑबीडियंट सन, आज्ञाकारी पुत्र बने, बी एन ऑबीडियंट डॉटर, आज्ञाकारी पुत्री बने, बी जेनरस, सहृदय बने, लोगों के प्रति मन में दया भाव रखें। आगे आइए, बी करेजस एंड पावरफुल, बी करेजस यानी बहादुर बने। सो बी का जो प्रयोग है वह अफर्मेटिव में, सकारात्मक तरीके से किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा व्यक्ति बनने की सलाह उपदेश में हुआ। अब हम लोग इसका नेगेटिव पहलू देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इनमें यू रहता है, इसलिए बी के पहले डायरेक्ट हम डोंट लगा देंगे, जगह डोंट बी, डोंट बी। सामान्यतया डोंट बी के साथ हम लोग नेगेटिव मीनिंग बताने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जब नकारात्मक आ गए तो करेंगे, जैसे डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनिए, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनिए, डोंट बी लेजी, लेजी मीन्स आलसी मत बनिए, या मैं कह सकता हूं डोंट बी ए लेजी स्टूडेंट, तो आलसी विद्यार्थी न बने, एडजेक्टिव का रूप भी इसके अंदर यूज है। जैसे डोंट बी ए ग्रीडी पर्सन, लालची व्यक्ति मत बनिए, यानी कुछ सलाह है नेक कि आप ऐसा गलत नकारात्मक व्यक्ति न बने। देखिए डोंट बी फूलिश, मूर्ख मत बनिए, डोंट बी फूलिश, या डोंट बी क्रूअल, निर्दयी मत बनिए। कई बार कहते हैं डोंट बी सो क्रूअल, इतने निर्दयी मत बनो, सो डोंट बी क्रूअल या डोंट बी सो क्रूअल। ठीक ऐसे ही डोंट बी सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वासी, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, अच्छा शब्द है, आप इसको निश्चित रूप से लिखें कि हम लोग अंधविश्वास, जैसे एक होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए, ये एक अंधविश्वास है, तो उसे है सुपरस्टिशियस, नाउन बन जाता है सुपरस्टिशन। तो चूंकि हम यहां एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं इसलिए सुपरस्टिशन का एडजेक्टिव आ गया, सो डोंट बी सुपरस्टिशियस, सो डोंट बी सुपरस्टिशियस मींस अंधविश्वासी मत बनिए, अंधविश्वासी न बने। या डोंट बी नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब क्या है, हाँ लापरवाह मत बनिए, केयरलेस न बने, सो डोंट बी नेग्लिजेंट, लापरवाह न बने, डोंट बी ए नेग्लिजेंट पर्सन, लापरवाह व्यक्ति न बने। तो यहां पर चैप्टर 24 में जो हमने बी का प्रयोग समझा है, ये सीधे तौर पर इसका मीनिंग है टू बिकम, जब सामने वाले व्यक्ति को कुछ बनने का सुझाव देते हैं, उपदेश देते हैं, या उस व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए, होना चाहिए, तो हम लोग बी का यूज करते हैं। पार्ट 7 में जो इजारेम और वॉजवर है, जिन्हें हम लोग बी की फॉर्म मानते हैं, उनका प्रयोग हम लोग डिटेल में सीखेंगे, लेकिन यहां पर डायरेक्टली बी का प्रयोग हुआ है। नो डाउट कि बी का प्रयोग मॉडल्स के बाद भी होता है, जैसे आई विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद में डॉक्टर होऊंगा या बनूंगा। ही विल बी ए रिच पर्सन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद वह अमीर व्यक्ति होगा या अमीर व्यक्ति बनेगा। तो मॉडल्स के बाद डायरेक्ट बी का यूज करते हैं, पर यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है, सामने वाले व्यक्ति को कुछ सलाह या उपदेश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपको कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स की नॉलेज होना चाहिए, और वैसे भी देखिए आपको शब्दकोश, शब्दों की जानकारी होना ही चाहिए, भले आप सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लें, पर अगर आपको शब्द नहीं आते हैं और उन शब्दों का प्रयोग किन सिचुएशन में किया जाता है ये अगर आपको आता होगा तो निश्चित रूप से वो शब्द आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ध्यान दें, रटने से शब्द याद नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में आज अपनी जो एडजेक्टिव की बुक है जिसके अंदर सारे हेडवर्ड्स कोई ना कोई एडजेक्टिव दिए हुए हैं, जो बुक ये वाली है एक्टिव फ्लुएंसी एडजेक्टिव्स, इनमें आप ऐसे एडजेक्टिव निकाल लीजिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को वैसा बनने का सलाह दें, या कुछ नेगेटिव एडजेक्टिव निकाल लीजिए, जैसे ये यहां पे लिखे हुए हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा नेगेटिव व्यक्तित्व वाला न बने, और आप इस बुक से इन एडजेक्टिव्स को लेकर आप इस टेबल में काफी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आज के इस टेबल में
इस बुक में जो वर्ड ग्रुप दिए हुए हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन कॉलोकेशन जो दिए हुए हैं उसके लिए यह बुक बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पढ़ना चाहिए और इसमें आपको काफी कुछ फायदा होगा। यही नहीं, जो अपनी नाउन की बुक है उस नाउन की बुक में भी आपको, यानी ये जो नाउन की बुक है इसमें भी सभी नाउन्स हेडवर्ड है, उस नाउन के पहले कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है यह समझाया गया है, और उस नाउन के पहले किन एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है यह भी बताया गया है। इसलिए यह बुक भी आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉलोकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। आप इन्हें संदर्भ में पढ़ें, रेफरेंस में पढ़ें, वाक्यों में इस तरीके से प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको यह शब्द लंबे समय तक याद रहेंगे। इसलिए शब्दों को रटने की बजाय उन शब्दों के मीनिंग समझें, किन सिचुएशंस में प्रयोग होता है, आप जो वाक्य संरचनाएं सीख रहे हैं उन वाक्य संरचनाओं में आप उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो चीजें आप जरूर देखें। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।